मैं जा रहा हूं जी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024। भारत में पहली बार भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में जो ऑटो एक्सपो होता था वो ना होकर के भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो होगा। एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूं कि ये जो एक्सपो है ये क्या कुछ है। इसमें टाटा, महिंद्रा, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, पोर्शे, लेम्बोर्गिनी, TVS, टोयोटा, इन सभी ब्रांड की गाड़ियां यहां पर देखने को मिलेंगी। और इस एक्सपो का जो मेनली फोकस है वो है अल्टरनेटिव फ्यूल पर, यानी कि यहां पर हमें हाइड्रोजन फ्यूल वाली गाड़ियां देखने को मिलेंगी, EVs बहुत सारी देखने को मिलेंगी, चाहे वो बड़े बड़े ट्रक्स ही क्यों ना हो, चाहे वो बड़ी बड़ी बसेज ही क्यों ना हो, और कुछ एग्जिस्टिंग वेरियंट के अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे। टाटा कर्व के बारे में बहुत सारी हलचल हो रही है, टाटा कर्व भी हमें इस भारत मोबिलिटी एक्सपो में देखने को मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा जो रेडियो सिटी इंडिया का यूट्यूब चैनल है इसको जरूर आप सब्सक्राइब करो ताकि ऑटोमोबाइल से जुड़ी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ। लेट्स गो। सो ये है द मच अवेटेड टाटा कर्व, जिसको काफी टाइम से हम बहुत सारे लोग जो हैं वो वेट कर रहे हैं। प्रोडक्शन रेडी वर्जन है ये टाटा कर्व का। आप इसके जो लुक्स है, ओवरऑल जो डायनेमिक्स है उसको चेकआउट कर सकते हैं। रडार्स बहुत क्लियरली विजिबल हैं, तो ऐसा लग रहा है कि गाड़ी जो है ADAS इक्विप्ड होने वाली है। 360 डिग्री कैमरा और ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ये जो नया आपको सिग्नेचर LED DRL मिल रहा है वो आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। कनेक्टेड LED DRLs जो हैं ये आपको देखने को मिल रहे हैं, जो एक एंड से दूसरे एंड तक एक्सटेंड कर रहे हैं। नीचे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में रादर, इस तरीके का जो है वो फ्रंट देखने को मिल रहा है विद द क्रोम इंसर्ट्स जो है ये आप यहाँ पर देख सकते हो, वो इस तरीके से मिल रहा है। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हो एयर इंसर्ट्स हैं, ये आपको हेडलैम्प्स हैं, और नीचे आपको फॉग लैम्प्स, कॉर्नरिंग हेडलैम्प का सेटअप मिलता है। गाड़ी को अगर साइड से देखते हैं तो जो डोर हैंडल्स हैं वो ऐसा फील हो रहा है कि वो पॉप आउट होने वाले हैं, और स्लोपिंग रूफ लाइन जो है वो आपको देखने को मिलती है, कूपे सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन मिलता है। नीचे जो व्हील आर्चेस भी हैं वो भी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं। यार गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। टायर साइज जो है वो 18 इंच का जो है इसमें देखने को मिल रहा है। गाड़ी के रियर में अगर आते हैं तो रियर से भी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी जो है अलग तरीके का देखने को मिल रहा है। कनेक्टेड LED टेल लैंप यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। पीछे कर्व की बड़ी सी बैजिंग आपको मिल रही है, और पीछे से गाड़ी भाई अगर ये बैजिंग हटा देते हो ना आप, तो आपको ऐसा लगने वाला है कि ये गाड़ी BMW से जो है कम नहीं है। BMW वाला जो कूपे लुक है वो आपको इसमें देखने को मिल जाता है। बाकी इस तरीके से आपको इसकी प्लेट्स मिलती हैं सिल्वर कलर की, और मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस जो है आपको इसमें देखने को मिल जाता है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये है टाटा हैरियर का EV वर्जन। बहुत टाइम से स्पेकुलेशन थी कि टाटा का जो हैरियर है इसका EV आने वाला है, तो ये यहाँ पर भारत एक्सपो में दिखाया गया है। लुक एक बार देख लो आप, कनेक्टेड LED DRLs मिलते हैं आपको, इस तरीके का लुक है। मिलिट्री ग्रीन कलर में, ग्लॉसी कलर में ये गाड़ी जो है बहुत ही खतरनाक लग रही है यार, बहुत ही अमेजिंग लग रही है। साइड में आपको EV की बैजिंग मिलती है। ओवरऑल डायमेंशंस में मुझे लगता है किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आने वाला है। गाड़ी के ओवरऑल लुक में भी ऐसा कोई खासा चेंज नहीं आने वाला है। पीछे की तरफ आप आते हो तो यहाँ पर ब्लैक कलर में आपको Harrier.EV की जो है ये बैजिंग रहने वाली है। बाकी पीछे कनेक्टेड LED टेल लैंप्स मिलते हैं, और गाड़ी का ओवरऑल जो लुक है वंस अगेन इट इज गोइंग टू रिमेन सिमिलर जिस तरीके से टाटा हैरियर के डीजल वेरिएंट्स में आपको देखने को मिलती है। ये जी टाटा नेक्सॉन iCNG यानी CNG वेरिएंट है ये, और सबसे पहले इस गाड़ी का एक्सटीरियर आप चेकआउट करो। इसका जो कलर है ये कितना लाजवाब लग रहा है, हल्के स्काई ब्लू कलर का एक्सटीरियर है। बूट में आते हैं तो ट्विन सिलेंडर सेटअप मिलता है जो कि हमें टाटा की गाड़ियों में देखने को मिल रहा है, जिससे बूट स्पेस में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। इस तरीके से दो सिलेंडर आपको पैरेलल लगाए जाते हैं। बाकी नीचे इसका जो है स्पेयर टायर मिलता है, एंड गाड़ी लाजवाब है। ये है सफारी का डार्क एडिशन। ब्लैक कलर का जो हमारे यहाँ पर चलन है ना वो मतलब नेक्स्ट लेवल हो गया यार। इंटीरियर चेकआउट करें, हल्के रेडिश तरीके के एलिमेंट्स आपको जगह जगह पर देखने को मिलेंगे। ग्रैब हैंडल्स, बाहर जो सफारी की बैजिंग है उसको भी रेड कलर में लिखा गया है, जो ओवरऑल सफारी का लुक है इसको बहुत अमेजिंग बनाता है। फ्रंट की तरफ भी हेडलाइट्स में आपको रेड कलर के इंसर्ट्स जो हैं देखने को मिलते हैं। तो ये है सफारी का डार्क एडिशन ब्लैक कलर। सामने की तरफ कनेक्टेड LED DRLs मिलते हैं इसमें, और गाड़ी देखने में बेहद लाजवाब लगती है।
ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये महिंद्रा की कॉन्सेप्ट कार है, BE RAL.E. ये जो कार है ये फुली इलेक्ट्रिक कार रहने वाली है और इंग्लो आर्किटेक्चर जो है उस पर बेस्ड है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट है पर गाड़ी का जो ओवरऑल लुक है वो बहुत ही अमेजिंग है। ऐसा लग रहा है कि मतलब कि एकदम ऑफ रोड के लिए ही बनी है, जो कि वाकई ऑफ रोड के लिए बनी है, बट इसे नॉर्मल तरीके से भी आप ड्राइव कर सकते हैं। अगर आप इसका ओवरऑल लुक चेक करते हैं तो 700 की तरह आपको डोर ओपनिंग हैंडल इसमें मिलते हैं। ऑब्वियसली ये ओपन नहीं होते अभी क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर इस तरीके से सी पिलर पर आपको डोर ओपनिंग हैंडल मिलता है। टायर का साइज अगर आप देखोगे तो ऑल टेरेन टायर इसमें लगा है, विच इज़ ऑब्वियसली अगेन अ कॉन्सेप्ट थिंग। गाड़ी का जो ओवरऑल लुक है यार वो बहुत ही कमाल का है, ऐसा कोई देख कर कह नहीं सकता। अगर महिंद्रा की ब्रांडिंग ना लगी हो तो देख कर कहना मुश्किल है कि यार ये गाड़ी जो है ये महिंद्रा की है। इस तरीके का प्रोफाइल साइड से दिखता है। टिपिकली ये जो है गाड़ी ऐसा लग रहा है कि 5-सीटर जो कार है वो है। स्लोपिंग रूफ लाइन इसमें मिलती है जो कि गाड़ी को एक कूपे तरीके का जो है पूरा लुक देता है। हाल ही में महिंद्रा ने अपना नेपोली ब्लैक कलर XUV 700 में लॉन्च किया है और ये है नेपोली ब्लैक कलर। डैशिंग लग रहा है। अगर इसकी कुछ खासियत की मैं बात करूँ तो इसका जो रिम है ये भी अब ब्लैक कलर का हो जाता है और सभी वेरिएंट्स में चाहे वो X3, X5, X7, X7L हो, सभी में आपको इस तरीके का जो है नेपोली ब्लैक कलर ऑप्शन देखने को मिलता है। इंटीरियर्स में थोड़े बहुत बदलाव इस गाड़ी में ज़रूर किए गए हैं। अगर मैं आपको अंदर की तरफ दिखाऊं तो आपको कुछ इस तरीके के ब्लैक इंसर्ट्स देखने को मिलते हैं और 13 नए एड्रिनो एक्स कनेक्टेड फीचर्स इसमें आपको जो है देखने को मिलने वाले हैं। बाकी मैकेनिकली इस अपडेट में बहुत ज़्यादा महिंद्रा ने कोई चेंज नहीं किया है। ये 2024 का अपडेट है महिंद्रा XUV 700 के लिए। पीछे से भी अगर इस गाड़ी को मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ तो ऐसा कोई खासा चेंज नहीं है। स्किड प्लेट्स, नॉर्मल जो बूट है, सब कुछ वैसे ही है जैसे कि पहले हुआ करता था। और ये है महिंद्रा का नया अपडेट फॉर 2024 XUV 700 नेपोली ब्लैक कलर। देश में थ्री व्हीलर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और थोड़ी सी हमें टेंशन वो तब भी दे देते हैं जब हम सड़कों पर देखते हैं और लगता है यार ये कितना ज़्यादा पोल्यूशन कर रही है। तो इस तरीके का जो सोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है महिंद्रा का जियो प्लस। सीटिंग कैपेसिटी की अगर बात करें तो ड्राइवर प्लस 3 लोग इसमें बैठ सकते हैं। डायमेंशन इसकी 2769 mm इसकी लंबाई है, 135 mm इसकी चौड़ाई है, 1750 mm जो है ये इसकी हाइट रहने वाली है। इसका जो टर्निंग रेडियस है वो 142 के आसपास रहने वाला है। और देख सकते हैं आप कितना स्लीक, कितना सुंदर ये देखने में लग रहा है ये पूरा स्कूटर। इसमें लिथियम आयन बैटरी मिलती है आपको 48 वोल्ट की और इसका जो चार्जिंग टाइम है वो है मात्र 4 घंटे 20 मिनट। 42 का ये पीक टॉर्क जनरेट करता है और ये जो पीक पावर जनरेट करता है वो है 8 kWh का। तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 में गाड़ियां केवल इतनी ही नहीं है, गाड़ियां और भी बहुत सारी हैं, पर एक वीडियो में यार सारी गाड़ियां तो नहीं समा सकती हैं। तो इस वीडियो का पार्ट 2 मैं बहुत जल्द लेकर आ रहा हूं जहां पर और भी बहुत सारे ब्रांड्स की और भी बहुत सारी गाड़ियों की मैं बात करने वाला हूं। बाकी जो मैंने आपको गाड़ियां दिखाई जैसे कि टाटा कर्व, टाटा हैरियर, ईवी, महिंद्रा का जो न्यू ब्लैक अपडेटेड 2024 वर्जन है, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो के पार्ट 2 में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।